गर्मी के इस मौसम में हर कोई परेशान है, गर्मी से बेहाल है। देश में कई जगह तो ऐसी भी हैं जहां पर सूखा पड़ रहा है, लोग पानी की एक बूंद को भी तरस रहे हैं। बहुत से लोग गर्मी के कारण तो बहुत से पशु पक्षी पानी की कमी से मर रहे हैं। हर रोज़ किसी न किसी न्यूज़ चैनल पर आप इस तरह की कोई ना कोई खबर सुनते ही रहते हैं। क्या कभी आप इस तरह की खबर सुनकर या कभी आपने गर्मी से परेशान होकर इनके पीछे छिपे कारणों को जानने की कोशिश की है? आज इस वीडियो के ज़रिए मैं सुजाता चौहान बात करूंगी इन्वायरमेंट पर, कुछ ऐसे कारणों पर जो हमारे वातावरण के लिए घातक हैं, जो हमारे वातावरण के इस संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, और इनमें से बहुत से कारण ऐसे हैं जिनके लिए हम मनुष्य ही स्वयं जिम्मेवार हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा कारण जो इस धरती के वातावरण को बिगाड़ने में काफ़ी हद तक जिम्मेवार है, वह है पोल्यूशन। पोल्यूशन हर तरह का है, जैसे एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन आदि, सभी जानते हैं इन सभी पोल्यूशंस को। इन सभी तरह के पोल्यूशन को हमने ही बढ़ावा दिया है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो नदियों को दूषित कर रहे हैं, इन नदियों के पवित्र पानी में गंदगी फेंक रहे हैं, अपनी फैक्ट्री से निकाले गए मलबे को इन नदियों में डाल रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। इन सभी तरह के पोल्यूशंस के लिए बहुत हद तक हम ही जिम्मेवार हैं। इन सभी प्रदूषणों के कारण हमारे वातावरण परिवर्तन हो रहे हैं, और यदि इसी तरह से हम पोल्यूशन अधिक मात्रा में करते चले गए, हम इस पोल्यूशन की रोकथाम नहीं करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन इस धरती का वातावरण पूरी तरह से असंतुलित हो जाएगा। वातावरण को संतुलित बनाने का दूसरा बड़ा कारण है वनों का काटे जाना। पेड़ जितने कम होंगे, वातावरण उतना ही असंतुलित होगा। ऐसा ना हो, इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और ये बात सभी को पता है, परंतु इसके बावजूद भी इस बात पर कोई अमल नहीं करता, जबकि हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। हो सके तो आप यह प्रण कर लें कि आज से ही हर वर्ष अपने जन्म दिवस पर एक पेड़ आप अवश्य लगाएंगे, और यही चीज़ आप अपने बच्चों को भी सिखाएं, उनसे भी करवाएं। एक और चीज़ वातावरण को बिगाड़ रही है, वह है प्लास्टिक और पॉली बैग्स का प्रयोग। प्लास्टिक और पॉली बैग्स भी वातावरण के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। इसका उपयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके लिए हमारे देश की सरकार भी प्रयास कर रही है, परंतु इन प्रयासों में हमें भी अपना पूरा सहयोग देना होगा। हमें खुद ही यह निश्चय करना होगा कि हम पॉली बैग्स तथा प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। तो ये तो थे कुछ ऐसे कारण जो हमारे वातावरण के लिए बहुत ही खतरनाक हैं, परंतु आज इस वीडियो के जरिए मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करूंगी, वह है पानी का दुरुपयोग। लोग पानी का बहुत ही दुरुपयोग करते हैं। मैं कई जगह देखती हूं कि फिजूल में पानी बह रहा होता है, टैप्स खुली छोड़ देते हैं लोग नहाते समय, ब्रश करते समय, कपड़े धोते समय, जिससे पानी का बहुत अधिक मात्रा में वेस्ट होता है। तो ऐसा नहीं करना, पानी को बचाएं। यदि आपके आसपास भी लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप उन्हें समझाएं। हो सके तो आप अपने गली मोहल्ले और अपने शहर में इन सभी बातों लोगों को समझाएं, उन्हें बताएं कि किस तरह से वातावरण व पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इनका हमारे जीवन में क्या मूल्य है। अगर हम इसे बचाएंगे नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को इससे क्या क्या नुकसान होगा। तो अगर हर व्यक्ति यह निश्चय कर ले, यह ठान ले कि हम अपनी इस धरती माँ की रक्षा करने के लिए प्रयास करेंगे, तभी इस धरती के इस वातावरण को आप संतुलित होने से बचा सकोगे, तभी पानी को वेस्ट होने से आप बचा सकोगे, धरती को रहने योग्य रख सकोगे। ये प्रदूषण इसी तरह से बढ़ते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब धरती एक आग का गोला बन जाएगी और हम सभी लोग इस धरती को हरी भरी देखने के लिए तरस जाएंगे। तो उम्मीद कर आप मेरी इन सभी बातों पर अमल करेंगे और आज से ही अपने आसपास के लोगों को, अपने घर के बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, सबको आप पानी की और वातावरण की इम्पोर्टेंस को समझाएंगे। आप सभी का धन्यवाद।